कहते हैं मानव प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। समस्त जीवों में सिर्फ मानव में ही एक क्षमता है कि वो अपनी गलतियों और अनुभवों से सीखकर प्रगति कर सकता है, लेकिन फिर भी लगातार एक जैसी गलतियों से क्यों समाप्त हो रहे हैं ये अनमोल जीवन। राजस्थान में हर वर्ष 10,000 से अधिक लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं और हजारों की संख्या में घायल हो जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें देश के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। सड़कों पर लापरवाही नहीं हो उसके लिए पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने मिलकर के और एक कार्यक्रम किया है। सरकार के प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा और जनता नहीं जुड़ेगी तब तक यह अभियान सफल नहीं हो सकता। इसलिए इसकी सफलता के लिए आपका सहयोग, आपका समर्थन और आपका हर तरीके से सक्रियता जरूरी है। इसलिए मैं प्रदेश का मंत्री होने के नाते आपसे अपील करता हूँ कि आप कृपया इसको प्राथमिकता के आधार पर लें, सड़क दुर्घटना ही नहीं हो उनको रोकने के प्रयास करें। सड़क सुरक्षा आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही एक ज्वलनशील अहम मुद्दा है। अगर देखिए हमारे शहर में या गांव में एक भी हत्या होती है तो किस तरह से सारा तंत्र हिल जाता है, पुलिस पीछे उसके लिए तफ्तीश करती है, मीडिया के सारे पेजेस रंगे होते हैं। लेकिन 11,000 मौतें राजस्थान में हर साल होती हैं, क्या हम उस पर उस प्रकार की चिंता कर पाते हैं? शायद नहीं। और यही कारण है कि आज हमको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि कैसे इसको हम एक गंभीर मुद्दा बनाएं जिसके बारे में समस्त जो हमारे आसपास के लोग हैं, परिवेश है, जितना भी आमजन है, इसके बारे में उसको गंभीरता से ले। क्या आपने कभी सोचा है सड़क पर जरा सी लापरवाही और समाप्त हो जाते हैं कई अनमोल जीवन। राजस्थान का जिला अजमेर, जो कि सभी धर्मों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है, यहाँ 26 लाख लोग अपना जीवन यापन करते हैं। पर इस लगातार बढ़ती जनसंख्या से बढ़ रही है सड़कों पे वाहनों की संख्या। वैसे तो अजमेर जिला राजस्थान के विकसित जिलों में गिना जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ लोग यातायात नियमों से अनजान है, या यूं कहें कि लापरवाह है। ये कहानी भी एक ऐसी ही लापरवाही की है जिसमें खो गया एक अनमोल जीवन। अजमेर जिले का गांव पिसांगन, जहां रहता था धन्ना राम कुमावत का पुत्र दिनेश कुमावत, मेहनती और अपने बूढ़े मां बाप का सहारा। रोज की तरह उस दिन भी दिनेश सुबह अखबार बांटने जा रहा था कि अचानक लिंक रोड से तेज स्पीड में आते ट्रैक्टर ने बिना हॉर्न दिए गाड़ी रॉन्ग साइड पे ले ली। और दिनेश को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। दिनेश वहां 45 मिनट तक तड़पता रहा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की और आखिर में उसने दम तोड़ दिया। फतेहपुर गांव से सेटन की ओर अखबार वितरित करने जा रहा था, तो रास्ते में एक शॉर्ट रास्ता आता है, पास में ही एक प्लॉट था, उसमें 3-4 ट्रैक्टर वाले भर्ती कर रहे थे, मतलब प्लॉट में बजरी वगैरह डाल रहे थे। सुबह लगभग 5:37 की घटना है ये। तो उधर से जो स्पीड से ट्रैक्टर आया था, नहीं तो उसने हॉर्न लगाया
इधर से ये मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, इसको भी पता नहीं था क्योंकि वो सुबह सुबह लाइट भी बंद कर दी थी ट्रैक्टर वाले ने, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा उजाला हुआ था उस समय। बाइक इधर से आई, इधर से टक्कर मार के इधर पटक दिया। बीग एक्सीडेंट नहीं है, बाज के मीने जो भी ट्रैक्टर चला जाको और अकन्ने आदमी आ जाओ बीगी हालत देख और वह सब बटू ट्रैक्टर ने लेर भाग्या बटू और तड़बड़ाहट करता छोड़ गया वे। हमारे बच्चे हो पढ़ना ही हो मकलाओ कर डेढ़ महीने हो मकलाओ करिया ने काम पड़ा तो भाई पहले याद आवे के वीरो अपना दुखी हैगी, मैं खुद दुखी हैगी बेगा। मैं गया मैंने हाथ नहीं लगावा दिया वे लेर भाग गया और मारा पर जीव घणो ही हो सब मारा पर जीव इतो जीव जोग तो इतो कटो कुछ करू कहीं नहीं करी मन का ध्यान और जा परे बीरो एन देखो मर काल तो फाट जाए एन तीन तीन जचा रहा एन रात का होते दिन मैं क्या हूँ दिनेश मर काल तो फाट जाए बकाई यही मारो पण बकिया तार घर बना पर लौट दे रहा मैं जिंदा रह जाऊं तो कौन नहीं जरूर आवे नेहरा बीरा का आज बोरे तो सब कुछ कर तो पांच मिनट मन दिल्ली ने छोड़ तो जी भी नाश गियो टेल डाला को जो बो तो आकर भागी भी ने पर में खो दिया जीवन नहीं कुछ भी हुआ हासिल सफर में खो दिया जीवन नहीं कुछ भी हुआ हासिल जरा सी भूल पल भर में बनी कितनी बड़ी कातिल बनी कितनी बड़ी कातिल लुटिया। काश उस दिन कोई भला व्यक्ति अपनी इंसानियत का फर्ज निभाता तो आज एक माँ अपने दिल के टुकड़े को न खोती, लेकिन अब रह गई तो बस यादें। अटक पर पड़ियो मैंने तो आठ घंटा पछताणो पड़ी एक घड़ी ते तड़पियो वो बटे पानी पिला दियो फेर भी बिन नागलता गया और भागता गया नालता गया और भागता गया बिन पानी पिलायो बिन बैठो नहीं कर सके अबे कोई पाटो नहीं बांस के अभी के वो मत मतो कि मम्मी आई मम्मी ए करियो बतावे दो बार एक रूम ही हो दो बार बैठो ही हो कोई नेड़ो नहीं गियो भी के कि वो जिंदो है अगर अब इन बचावा तो अपना नाम लेगा अपना एक्सीडेंट कर रही हो अपने मार गडियो ये वास्ता बेटा बस बिन छोड़ भाग गया हम। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष की दुर्घटना होती है और वहाँ जो कम से कम समय में या वहीं नज़दीकी में यदि कोई व्यक्ति उपलब्ध है या व्यक्तियों का समूह उपलब्ध है उनके पास साधन है निसंकोच वो उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों की मदद कर सकता है अस्पताल पहुंचा सकता है, लेकिन पुलिस किसी भी संदर्भ में इस मामले में उस व्यक्ति को जिसने सहायता की है किसी भी प्रकार की गवाही या किसी प्रकार की कानूनी कोई दायित्वों का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं करेगी। गलती किसकी थी? दिनेश की, जो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। उस ट्रैक्टर वाले की, जो तेज गति से बिना हॉर्न दिए रॉन्ग साइड से आ रहा था। या उन लोगों की जिन्होंने दिनेश की मदद नहीं की और उसे वहां तड़पता छोड़ दिया। गलती चाहे किसी की भी हो, पर हमने खो दिया एक अनमोल जीवन। टोटल जो गलती थी वो ट्रैक्टर वाले की थी, क्योंकि वो झाड़ियों से निकल के अचानक आ रहा था। इनको जब ये क्रॉस होना था उस समय, तो क्रॉसिंग के वक्त ट्रैक्टर वाले को ध्यान करना था, नहीं कि इनको, क्योंकि ये तो अपने साइड में जा रहे थे। बिल्कुल बच सकता, ये हॉर्न दे देता या ट्रैक्टर स्लो कर देता तो बिल्कुल बच सकता। ये यातायात को आप गंतव्य तक पहुँचने का साधन माने, इसको आप स्टंट और इस टाइप से और बहुत ज़्यादा तेज गति में चला करके और का वो नहीं माने। इस दुर्घटना के मुख्य कारण लिंक रोड से मुख्य रोड पर लापरवाही से प्रवेश करना, निर्धारित गति से तेज वाहन चलाना, समय पर हॉर्न न देना, गलत दिशा में वाहन चलाना। सड़क पर वाहन चलाते समय गलती आपकी हो या सामने वाले की, कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ना जाने कितने जीवन ऐसी गलती कर मौत का शिकार हो चुके हैं। आइए
उनकी गलती से सबक लें और अपना जीवन सुरक्षित करें। हेलमेट सही गुणवत्ता यानी ISI मार्क का नहीं है तो दुर्घटना के वक्त टूट सकता है। सही हेलमेट, सही तरीके से बेल्ट लगाना, सिर की रक्षा। हेलमेट बोझ नहीं, जीवन सुरक्षा कवच है। वाहन निर्धारित दिशा में ही चलाएं। कुछ दूरी बचाने के लालच में गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएं। गलत दिशा में वाहन चलाना न केवल गैर कानूनी है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। ऊंट लड्डे और ट्रैक्टर के पीछे रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं। रिफ्लेक्टर लगे होने पर पीछे से आ रहे वाहन चालक को आसानी से पता चल जाता है कि आगे ऊंट लड्डा या ट्रैक्टर चल रहा है और दुर्घटना से बचा जा सकता है। रिफ्लेक्टर जानवरों के पैरों या सींगों पर भी लगाने चाहिए। रिफ्लेक्टर नहीं लगे होने पर पीछे से आ रहे वाहन चालक को रात के अंधेरे में आगे चल रहा वाहन ऊंट लड्डा या ट्रैक्टर दिखाई नहीं दे पाता है और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। यदि आप स्लीप लेन या अन्य मार्ग से मुख्य मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं तो यातायात के नियमों के अनुसार मुख्य मार्ग में प्रवेश से पहले अपना वाहन रोकें। आते जाते वाहनों को देखकर सुरक्षित लगने पर ही मुख्य मार्ग में प्रवेश करें। स्लीप लेन या अन्य मार्ग से अचानक मुख्य मार्ग में प्रवेश कर जाना दुर्घटना के प्रमुख कारणों में से एक है। ट्रैक्टर, ट्रॉली या पिकअप जैसे माल वाहनों पर कभी भी यात्रा ना करें। ये वाहन सिर्फ माल ढोने के लिए बने हैं, सवारियों की यात्रा के लिए नहीं है। ये मस्ती पड़ सकती है भारी जब नशे में लड़खड़ाएगी गाड़ी तो दुर्घटना हो सकती है भारी। शराब पीकर वाहन चलाना न केवल गैर कानूनी है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। सड़क किनारे वाहन खड़ा करने पर यदि आपका वाहन खराब हो जाए या आपको कुछ समय के लिए अपना वाहन रोकना हो तो वाहन को सड़क से नीचे उतार कर सर्विस लेन में खड़ा करें। सड़क पर खड़ा वाहन दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगर सर्विस लेन नहीं हो और वाहन को सड़क के किनारे खड़ा करना पड़ जाए तो वाहन के पीछे सुरक्षा सूचक अवश्य लगाएं ताकि पीछे से आ रहे वाहन चालकों को आपके वाहन के खड़े होने का संकेत मिल सके। चौपहिया वाहन में हमेशा सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाएं। सीट बेल्ट अचानक वाहन रोकने पर या दुर्घटना की स्थिति में आपकी सुरक्षा करती है। अपने मालवाहक वाहन में निर्धारित सीमा एवं वजन के अनुसार ही माल लोड करें। वाहन की सीमा और वजन से ज्यादा माल होने पर चालक का वाहन पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। लेन ड्राइविंग, प्रत्येक सड़क लेन में विभाजित होती है चाहे चिन्हित हो या नहीं। जहां सड़क चिन्हित नहीं है वहां आप मन ही मन सड़क को उचित लेन में विभाजित कर लें। जहां पर सड़क चिन्हित है वहां अपनी लेन में वाहन चलाएं। लेन तभी बदलें अगर ऐसा करना सुरक्षित हो। लेन बदलने से पहले उचित संकेत दें। अचानक लेन नहीं बदलनी चाहिए। कोई भी अच्छा चालक बार बार एक लेन से दूसरी लेन में नहीं जाता है। ट्रैफिक जाम होने पर कतार को तोड़कर या लेन बदलकर आगे पहुंचने की कोशिश ना करें। जहां पर सड़क पीली या सफेद निरंतर रेखा से विभाजित हो वहां एक ही दिशा में बढ़ रहे वाहनों को जो एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हों निरंतर रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दो लेन वाली सड़क पर बाईं ओर रहें, सिवाय उस परिस्थिति के जब आपको दाएं मुड़ना हो या ओवरटेक करना हो। चार लेन वाली विभाजित सड़क पर आप बाईं लेन में तभी चलें जबकि इस पर धीमी गति से चलने वाले वाहन ना हो। यदि आपसे तेज गति से चल रहे वाहन ओवरटेक करना चाहें तो बाईं तरफ रहते हुए यदि ऐसा करना सुरक्षित हो तो उन्हें आगे बढ़ने दें। छह लेन वाली या फिर इससे अधिक चौड़ी मीडियन द्वारा विभाजित सड़क पर जब तक संभव हो बीच की लेन में ही रहें। बाईं लेन धीरे चलने वाले
और भारी वाहनों के लिए छोड़ दें और दाई लेन उन वाहनों के लिए जो ओवरटेक करने के इच्छुक हों या फिर तेज गति से चल रहे हों। अगर आप लेन बदलना चाह रहे हैं तो पीछे से आ रहे यातायात को अपने रियर व्यू मिरर में और पीछे मुड़कर देखें। अगर सुरक्षित हों तो उचित संकेत दें और फिर लेन बदलें। वर्ल्ड बैंक स्कीम के तहत हम दिसंबर 2018 तक जन जागृति अभियान चलाएंगे, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत समिति और ग्राम मुख्यालय तक हम लोगों को दुर्घटनाओं के रोकने के उपायों के बारे में, नियमों के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करेंगे और साथ ही इस कार्यक्रम को आगे तक बढ़ाया जा सके उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे उसी गांव में कम से कम 10 वॉलंटियर ऐसे तैयार हो जाएं जो इस कार्यक्रम को आगे तक भी जारी रखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज जो जन जागृति का है ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे। छोटी सी गलती थोड़ी सी जल्दी थोड़ा उतावलापन, छोटी सी गलती थोड़ी सी जल्दी थोड़ा उतावलापन, ना जाने कितने लोगों को कर देगा लाचार, होश न खो गलती करो ना यार, जोश में अपना होश न खो गलती करो ना यार, कुछ हो गया तो अपनों पर ही पड़ जाएगा।